प्रदेश से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग ट्रक में या तो बीफ लेकर जाते हैं या तो गाय लेकर जाते हैं और उसी सस्पिशन में उन्हें बिना पूछताछ के मार दिया जाता है, इतना मारा जाता है उन्हें। और बाद में पता चलता है जब उनकी गाड़ी की तफ्तीश होती है, जब उनकी गाड़ी को देखा जाता है, तो बाद में पता चलता है कि इसमें ना ही बीफ था ना ही कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल थे, लेकिन बिना पूछताछ के उन्हें मार दिया जाता है। तो ये मारने के बाद फिर लाश से पूछा जाता है कि इस गाड़ी में क्या था। मॉब लिंचिंग की ऐसी जो खबरें हैं वो काफी दुखदेह है और काफी दर्दनाक भी है कि इसी सस्पिशन पे कि कोई कैटल लेके जा रहा है, कोई बीफ लेके जा रहा है, इस देश में किसी को भी मार दिया जाता है। और यूपी में ये घटनाएं बहुत आम बात हो गई है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। काफी अनफॉर्चुनेट है, शांतिप्रिय ये स्टेट है छत्तीसगढ़ का, लेकिन उसके बावजूद जून 7 को यानी कि 12 दिन पहले जब सद्दाम कुरैशी, गुड्डू खां और चांद मियां, ये तीनों लोग सहारनपुर और शामली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ये तीनों लोग आए यहां से कैटल यानी कि भैंस और गाय परचेस करके ओडिशा की तरफ जा रहे थे। इनका प्लान था कि ये परचेस करके ओडिशा की तरफ जाएंगे और वहीं से फिर शायद यूपी की तरफ रवाना हो जाएंगे, भले किसी काम के लिए लिया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इल्लीगल नहीं है कैटल खरीदना। अब उनको इतना मारा जाता है, सर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है, और इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साधे हुए है। नमस्कार, जय जोहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज हम इसी मुद्दे को राउंडअप में उठाएंगे कि किस तरह से इस देश में पहले तो मारा जाता है और मार दिया जाता है, उसके बाद लाश से पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी में क्या बीफ था, आपकी गाड़ी में क्या गौमांस था, आपकी गाड़ी में क्या भैंस का मांस था। ये इतना प्रचलित हो चुका है मॉब लिंचिंग और इतनी सारी खबरें आती हैं मॉब लिंचिंग के अराउंड। यूपी से तो जैसे कि मैंने कहा आम बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अब ये शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के जब ये तीन लड़के जून 7 को यहां से जब भैंस और गाय लेकर अपनी गाड़ी में भर कर ले जा रहे थे, उड़ीसा की तरफ जा रहे थे, तब आरंग में महानदी के ब्रिज पर इन पर अटैक कर दिया जाता है। ये महानदी ब्रिज से गुजर रहे थे और तभी किसी को इनपुट मिलती है और एक मॉब जिसमें 12 से 15 लड़के हैं वो आते हैं और इनसे पूछताछ बिना किए इन्हें रात को मारना शुरू कर देते हैं और इतना मारा जाता है इन्हें लकड़ी से और जो भी मिले उस सामान से, इतना मारा जाता है कि उनमें से जो दो लोग हैं उनको मार डाला जाता है और उनकी लाश को फेंक दिया जाता है, ऐसा कहना है विक्टिम के परिवार वालों का। तीसरा जो सद्दाम कुरैशी है, जिन दोनों को फेंक दिया जाता है वो है गुड्डू खां और चांद मियां, और तीसरा जो बहुत सारे इंजरीज के बाद भी बच जाता है वो है सद्दाम कुरैशी, जो कल बालाजी हॉस्पिटल में जिसका ट्रीटमेंट चलता है लंबे समय से, लेकिन सद्दाम के इस 10 दिन के ट्रीटमेंट की वजह से 4.5 लाख का बिल बन जाता है, और इसलिए क्योंकि वो गरीब घर से था और अफोर्ड नहीं कर पाता है तो फिर डीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और वहां पर कोमा में लगातार वो रहते हैं और कोमा में रहते रहते फिर कल उनकी जान चली गई, उनकी भी सद्दाम कुरैशी की भी जान चली जाती है। इनके परिवार वाले यहां पर आते हैं, कई सारे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, और बिल्कुल ऐसे किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत छत्तीसगढ़ में कब से मिलने लग गई, ये सारे सवाल पूछते हैं। और अभी तक सबसे बड़ा अहम सवाल ये पूछा जाता है कि जून 7 की इस घटना में जहां पे उत्तर प्रदेश के तीन लड़कों की हत्या कर दी गई, उस पूरे मामले में आज तक यानी कि जून 19 तक कोई भी अरेस्ट क्यों नहीं हुए। एक FIR दर्ज जरूर कर लिया जाता है जिसमें 304, 307 और 34 की धाराएं लगाई जाती है, काफी हल्की धाराएं लगाई जाती है। SIT का गठन भी कर दिया जाता है यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी कर दिया जाता है कि भैया आप इंक्वायरी करिए, क्या है मामला पता करिए, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई अरेस्ट नहीं किया गया। यही जब हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से, जब हम परिवार वालों से बात करते हैं, सद्दाम के परिवार वालों से बात करते हैं, तो सीधा सीधा यही सवाल उठाते हैं वो, और उठाए भी क्यों ना, कि हम पे हमला क्यों किया गया, पूछताछ क्यों नहीं की गई। अगर तस्करी का मामला लग भी रहा है, अगर तस्करी के आरोप लगा भी रहे हैं, तो क्या पूछताछ करना नहीं बनता, क्या हमें कानून के हवाले करना नहीं बनता, कानून अपने हाथ में लेना कितना जायज है, ये सवाल वो पूछते हुए नजर आते हैं, जिसका जवाब ना मीडिया के पास है, ना गवर्नमेंट के पास है, और ना उन लोगों के पास है जिन्होंने इस पूरे हादसे को अंजाम दिया है। कहा जाता है कि बजरंग दल के वो 12 से 15 लोग थे जिन्होंने इस पूरे हादसे को अंजाम दिया है। रात में ट्रक
को रोका और ट्रक को रोकने का भी अंदाज बड़ा ही ड्रामेटिक था। ट्रक को मतलब पहले से ही इनपुट इनके पास था कि ऐसे गाड़ी आ रही है जिसपे कैटल तस्करी किया जा रहा है, यानी गाय भैंस को तस्करी की जा रही है और इसे रोकने की जरूरत है। तो वो खीला लगा के पहले ट्रक के टायर को पंचर करते हैं, फिर उसे वहां पर रोकते हैं और रोकने के बाद बिना पूछताछ किए, बिना चेक किए मारना शुरू कर देते हैं। आओ आओ देखते हैं नताओ, बस मारना शुरू कर देते हैं और इसी की वजह से इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि दो लोगों की हत्या ऑन द स्पॉट हो जाती है। फिर बताया जाता है कि उनके जो डेड बॉडीज, उनको महानदी, क्योंकि ब्रिज के ऊपर हुआ तो महानदी रिवर में उनको फेंक दिया जाता है। सद्दाम को भी इसी अंदेशे पे फेंक दिया जाता है कि शायद ये भी मर गया है, तो बस तीनों को फेंक दिया जाता है। दूसरे दिन पता चलता है कि तीनों की बॉडीज, दो की डेड बॉडीज और एक की सीवियरली इंजर्ड बॉडी वहां पे रॉक्स के ऊपर मिलती है, पत्थरों के ऊपर महानदी ब्रिज के नीचे मिलती है। तीनों को फिर दो की डेड बॉडीज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सद्दाम को ट्रीटमेंट के लिए बालाजी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर उसके बाद डीकेएस में जाने के बाद वो भी अपने आखिरी सांस लेते हुए मर जाते हैं। सवाल यही है कि अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए। परिवार वाले चीख चीख कर यही पूछ रहे हैं कि क्या हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, हम इसीलिए ये सारी चीजें हमारे साथ होना आम बात है, क्या हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं इसलिए ये सारी चीजें काफी लाइटली ली जाती है, क्या हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं इसलिए हमारे साथ कोई भी बातचीत किए बिना हमें मार दिया जाता है और इसी सस्पेशन में मार दिया जाता है कि शायद हम गौमांस लेके जा रहे थे, शायद हम कैटल लेके जा रहे थे, हमसे कोई पूछताछ नहीं की जाती। और इसीलिए बहुत इसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भैया संलिप्तता तो है ही, भूपेश बघेल ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पे इसलिए इतनी अरेस्ट नहीं कर पा रही है, कोई भी अरेस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि संलिप्तता उनकी खुद की है, इसलिए वो अपने लोगों को बचाते चल रही है और एक्शन लेने से बच रही है। पुलिस की बात करें तो पुलिस कीर्तन राठौर एएसपी रायपुर रूरल के, रायपुर ग्रामीण के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये शायद डर के मारे, इन तीनों यूथ ने इतनी भीड़ को देखा और डर के मारे शायद ये खुद ही ब्रिज से कूद गए। सुसाइड का मामला वो इसे करार करने की कोशिश करते हैं और सुसाइड का मामला भी प्रूव नहीं हुआ है, एसआईटी अपनी जांच लगातार कर रही है, लेकिन पुलिस फिर भी कहती है कि शायद ये हो सकता है सुसाइड का मामला हो। लेकिन इसी को ही काउंटर करते हुए डॉक्टर की बाइट सुनिए कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, किस तरह से ये मौतें हुई हैं। आइए सुनते हैं दीपक जायसवाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो बता रहे हैं किस तरह से इंजरीज हुई थी। हेड इंजरी हुई थी राइट हैंड साइड पर और शोल्डर और रिब्स टूटे हुए मिले थे और फ्रैक्चर्ड मिले थे, बहुत ही गंभीर हालत में सद्दाम कुरैशी मिले थे, और किस तरह से वो पूरे इंजरीज को एक्सप्लेन करें। आइए सुनते हैं ये बाइट। मैं डॉक्टर दीपक जायसवाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सद्दाम कुरैशी उम्र 25 वर्ष, जो लगभग सुबह के 7 बजे 7 जून 2024 को आपातकालीन विभाग में आया और आपातकालीन विभाग में इसके परिजनों द्वारा लाया गया। आपातकालीन विभाग में एडमिट करने के बाद तुरंत इनिशियल असेसमेंट किया गया, जिसमें कि पेशेंट का हिस्ट्री लिया जाता है। सबसे पहले कोशिश किया जाता है, डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय पाया गया कि सद्दाम ठीक से बोल नहीं पा रहा है, बेहोश है, बेहोशी की हालत में, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग ड्राउजी बोलते हैं। इनिशियल असेसमेंट करके डॉक्टरों की टीम ने वहाँ पे जो इमरजेंसी डॉक्टर थे उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद तुरंत एक एसेस करके फिर पाया गया कि कहाँ कहाँ चोट है, उसका निरीक्षण किया गया। चोट के अनुसार सिर में चोट था जिसके लिए न्यूरो को इन्वॉल्व किया गया, हाथ पैर की हड्डियाँ टूटी थी उसके लिए, पैर की हड्डी नहीं हाथ की हड्डियाँ टूटी थी उसके लिए ऑर्थो डिपार्टमेंट, उसके बाद जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, क्रिटिकल केयर टीम, और पेट में भी चोट थे तो उसके लिए गैस्ट्रो सर्जरी टीम। ये टीम के डॉक्टरों ने वहाँ पे उनका निरीक्षण किया और इमिडिएटली जो जो स्कैनिंग हो सकती है, सीटी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें किया गया और सिलसिलेवार तरीके से फिर जो जो इंजरीज हुई थी उसका पता किया गया। हमारे यहाँ देखिए, जब आया था तो सीटी स्कैन में जो कि राइट फ्रंटो टेम्पोलर रीजन में उनका खून का थक्का जमा हुआ था, जाइगोमेटिक आर्च में उनके फ्रैक्चर्स थे, थोड़े कैरोटिड्स में इंजुरी थी, उनका थोड़े जो बोल सकते हैं लंग्स है, लंग्स में इंजुरी थी, जो पेट है, पेट में लीवर एंड स्प्लीन और इंटरनल ब्लीडिंग थी, जो और पेल्विक बोन फ्रैक्चर थे। तो ये सब का एसेस करके इसको ऑपरेशन के लिए लिया गया, जिसमें कि न्यूरो सर्जन के द्वारा इनका डिकम्प्रेशन क्रेनियोटॉमी किया गया और गैस्ट्रो सर्जन के द्वारा इनका लैप्रोटॉमी किया गया।
और उसके बाद पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जो कि जीवन रक्षक प्रणाली और दवाइयों में था, वेंटिलेटर पे। और उसके बाद लगातार डॉक्टरों की निगरानी, मेडिसिन डिपार्टमेंट, क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ये सारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये सारे डॉक्टरों की निगरानी में पेशेंट का इलाज आईसीयू में ऑपरेशन के बाद जारी रहा, जो कि पेशेंट क्रिटिकल था, लाइफ सेविंग ड्रग्स में था, बीपी बढ़ाने की दवाइयों में था, जिसको हम लोग लाइफ सेविंग बोलते हैं, आइनोट्रॉपिक सपोर्ट, और इन्फेक्शन वगैरह ना हो वो सब सारी दवाइयों में था। तो इस प्रकार से पेशेंट की स्थिति नाजुक बनी हुई थी, लेकिन पेशेंट के परिजन 2 दिन पहले सदाम को बोले हायर सेंटर्स, या फिर उन्होंने बोला कि दूसरे अस्पताल में लेके जाना चाहते हैं, और फिर मुझे कल ऐसा समाचार मिला कि उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पे पेशेंट का, सद्दाम का मृत्यु नहीं। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर दीपक जायसवाल जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है सद्दाम खुरैजी का, और बिल्कुल बताया कि किस तरह से सुसाइड का एंगल उन्होंने बिल्कुल रूल आउट कर दिया है, कहा कि सुसाइड नहीं हो सकता, कि कोई इंसान अगर सुसाइड करेगा तो इतनी सारी बॉडी की चीजें टूटी हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी पुलिस अपने इसी एंगल के पीछे पड़ा हुआ है। FIR तो दर्ज कराई गई है, FIR में कुछ ऐसे हल्के होमिसाइड के कुछ सेक्शंस भी लगाए गए हैं, 307, 304 और 34, और SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया है, इंक्वायरी जरूर चल रही है, लेकिन अरेस्ट बिल्कुल नहीं किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पे इतने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, और क्योंकि ये जो लड़के थे ये उत्तर प्रदेश के थे, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले भी नहीं थे, इसलिए कल जब सद्दाम खुरैशी की मौत हुई तो उनके परिवार जन उनकी डेड बॉडी को लेकर उन्हें यूपी के तरफ रवाना कर दिया गया, सहारनपुर ले जाया गया, और ये जो काम है काफी पुलिस ने बहुत प्लान्ड तरीके से काफी घेर के सद्दाम के फैमिली को, 2 ही मेंबर्स थे, शोएब और आसिफ जो सद्दाम के भाई है, उन दोनों को बड़े ही घेर के डेड बॉडी को एक बक्से में बंद करके बिना किसी मीडिया से बात किए उनको ले जाया गया, कहीं पर ज्यादा रोका भी नहीं गया और किसी से शोएब और आसिफ को बात करने नहीं दिया गया। ऐसा मामला है शोएब, ऐसा मानना है शोएब का कि पुलिस काफी अपनी प्रोटेक्शन में हमको लेके जा रही है ताकि हम ज्यादा किसी से बता ना सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अब इनकी डेड बॉडीज को सहारनपुर ले जाया गया है फ्यूनरल राइट्स के लिए, लेकिन सबसे बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि आपको जब तस्करी का या ऐसा कोई भी आपको अंदेशा है कि गौ मांस ले जाया जा रहा है, काफी गलत इंटेंशन से ले जाया जा रहा है, तो कानून को हाथ में मत लीजिए, कानून की एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत चलिए, जाइए बताइए जहां पर ये पूरे हादसे को अंजाम दिया गया है, बिल्कुल वहीं से ही कुछ ही दूरी पर ही चौकी थी, जाया जा सकता था पुलिस के पास, उन्हें बताया जा सकता था कि एक्चुअल में मामला क्या है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उन तीनों को पकड़ के कानून के हवाले कर दिया जा सकता था, फिर कानून व्यवस्था अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो मौत था उसने कानून को अपने हाथ में लिया और इतने बेरहमी से मारा, तो कम्युनल ये जब चीजें हो जाती हैं तब मामला जो है बहुत ही पेचीदा और बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, और तभी सारे मुस्लिम कम्युनिटी को लगने लगता है कि ये देश शायद उनके लिए नहीं है, अब उन्हें कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। और एक हिंदू होने के नाते हम सभी का ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो लोग जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को चुना, ये देश उनका अभी आज उनका भी उतना ही है जितना हिंदू समाज का है, तो हिंदू समाज चौकीदारी ना करने लगे, हिंदू समाज ये पैरवी ना करने लगे कि भाई हम ही रक्षक हैं और हम ही देखेंगे, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन किसी की भी जान लेने का हक किसी को ना ईश्वर ने दिया है ना अल्लाह ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है, तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखते हुए अब बजरंग दल भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है, ये रिपोर्ट्स हर एक मीडिया में चल रही है, और इसीलिए बजरंग दल के जो लोग हैं उनकी भी बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये कहते हुए नजर आए कि देखिए टायर तो जरूर पंचर किया होगा, हम इस बात से अनदेखा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मारा नहीं गया है, वो शायद कूद गए डर के मारे कि उन्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि आए दिन ऐसी मॉब लिंचिंग की जो इंसिडेंट्स है वो रिपोर्ट किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में और भी अन्य भागों में देश के, तो हो सकता है डर के मारे नीचे नदी होगी इसी अंदेशे में, क्योंकि रात का समय था, नीचे नदी होगी इसी अंदेशे में वो कूद गए होंगे, लेकिन नीचे पत्थर मिले तो उनकी इंजरीज की वजह से डेथ हो गई, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं हो पाती कि बाकी सारे जो हड्डियां हैं रिब्स के, शोल्डर्स के, वो सारे कैसे टूटे, हिप्स की हड्डियां टूटी है वो सारी कैसे टूटी, इस चीज का जवाब जब हम पूछते हैं तो उनके पास नहीं होता है, तो ये बात बहुत अहम है, और मैं चाहती हूँ कि कॉमेंट सेक्शन पे आप सब कॉमेंट करें इस चीज का कि बिल्कुल नफरत
कब तक किया जा सकता है? अगर आपको सस्पिशन है तो आप कानून व्यवस्था से चलिए, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लीजिए। किसी की जान लेने का, जैसे कि मैंने कहा, हक किसी को भी नहीं है। तो ये सवाल आप बताएं कि किस तरह से इस मॉब लिंचिंग की इस पूरे इंसिडेंट को हैंडल किया जा सकता है। अब जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं भाई कॉम्पनसेशन दीजिए, कॉम्पनसेशन दीजिए और न्याय दीजिए। सबसे बड़ा आप न्याय दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आगे इस कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ऐसे टारगेट ना किया जाए, नफरत का शिकार ना होना पड़े और शक के शिकार पे किसी की जान ना ली जाए। तो बिल्कुल ये बात एक अहम है और ये सवाल आज हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं कि इतनी ढिलाई क्यों, इतनी ढिलाई क्यों? इतना सेंसिटिव मामला है, इस पे तुरंत अरेस्ट होने चाहिए, लोगों को अश्योरेंस देना चाहिए कि कानून व्यवस्था आज भी सशक्त है और इस कानून व्यवस्था के साथ चलने से ही लोगों का फायदा है। तो बिल्कुल ढिलाई से एक्शन करने पर हम सवाल पूछ रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे, एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ और एक नए सवाल के साथ। तब तक मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जोहार।